में आपको स्टार सिटी का जो रोबो होता है, तो रोबो का टी स्पेंडेंट होता है, तो टी स्पेंडेंट में जो पासवर्ड को इनेबल और डिसेबल किस तरीके से करते हैं, पासवर्ड को किस तरीके से आप लगाएंगे और कैसा प्रोसेस आप करेगा, तो मैं आपको सेटिंग्स ऑफ द पासवर्ड आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस विंडो से जाएंगे सेटिंग ऑफ द पासवर्ड, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, या ऑल मेनू से जाके, ऑल मेनू से जाके जो फर्स्ट विंडो ओपन होगी उसके बाद आपको स्लाइड करना है दूसरे नंबर का। तो यहाँ आपका ये फिंगर जैसे निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, तो पासवर्ड पे जाके डबल स्क्रीन जो प्रेस करने का, डबल स्क्रीन जैसे आपका आएगा, आने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि जो पासवर्ड सेटिंग है, पासवर्ड सेटिंग में जाने के बाद में आप जो ये जो ओपन हो जाएगा, तो पासवर्ड 1 2 3 जो ए टाइप के ऐसे यूजर्स हैं, तो ए टाइप से पासवर्ड आप इसमें पुट कर सकते हैं। दूसरा बार जैसे पासवर्ड आपने मान लो किसी बंदे ने 1 नंबर पे लगा रखा है, अगर आप अगर उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उससे पासवर्ड नहीं डाल सकते दोबारा, आप दूसरे नंबर पर डाल सकते हैं, तीसरे पर डाल सकते हैं और खाली जो भी पोर्ट है उस पर डाल सकते हैं। 1 नंबर पे कोई एक यूजर पासवर्ड लगा सकता है, तो 8 तरीके का पासवर्ड है, 8 यूजर इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको 1 नंबर का पासवर्ड लगाना है, 1 नंबर पर आपके पास राइट पासवर्ड है तो आपका पासवर्ड इनेबल हो जाएगा, अगर पासवर्ड आपका सही नहीं तो इनेबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब आपने पासवर्ड अगर 1 नंबर पर डाला है, तो 1 नंबर पर पासवर्ड मान लो 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रहेगा, तो आपने पासवर्ड डालने के बाद नंबर 1 सेलेक्ट किया, 1 नंबर 1 पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद में अब किस किस पैरामीटर को प्रोबिटेड कर रहे हैं, तो जैसे आप पैरामीटर को सेलेक्ट करते जाएंगे तो पैरामीटर्स ग्रीन होता जाएगा। अभी मैं सपोज करता हूँ, तो कंडीशन में पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये जो प्रोग्राम एडिट में भी करना चाह रहा हूँ, यूजर पॉइंट में भी करना चाह रहा हूँ और प्रोडक्ट में भी लगाना चाह रहा हूँ, मान लो टाइमर में भी। आप जिस तरीके से जितने भी ऑपरेशन हैं आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे ही आप इसको देंगे और करने के बाद में आप एंड करेंगे, तो पासवर्ड मतलब आपका इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आप मेन स्क्रीन पे जाकर देखेंगे, तो अगर लॉक जो है रेड रहता है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोहिबिटेड है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते डाटा से। यदि आप पासवर्ड अंदर से जाके सेम कंडीशन में अंदर से जाके और सेटिंग में जाके पासवर्ड को पुटअप करते हैं, उसके बाद अगर पासवर्ड डालने के बाद में पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो पासवर्ड प्रोबिटेड हो जाए, प्रोबिटेड से अनप्रोबिटेड होगा, तो उसके बाद में आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपने डाल रखा है। तो ये आप आई थिंक आप समझ गए होंगे पासवर्ड से कि पासवर्ड को किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। आई थैंक यू।